तो इसलिए कृपया आप लोग स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा। आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये ऐसे विषय हैं, ये पार्ट टू हमने करना था, यहाँ मेरे से कमी रह गई है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे बहुत कम चर्चा होती है और विशेष रूप से सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इन विषयों पे चर्चा नहीं करते जो कि उनसे अपेक्षित होती है। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि रोल ऑफ संस्कृत इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो है उस पे आज हम भाग दो पे बातचीत करेंगे। पहले भाग में हमने कुछ एक प्रश्नों को लिया था और कुछ एक हमें उत्तर डॉक्टर साहब से मिले थे और उन्होंने बड़ी मेहनत करके उन डिबेट्स को जो वहां पर वाद विवाद हुए, पक्ष प्रतिपक्ष बने और विभिन्न विषयों पर जो जो चर्चाएं हुई और संस्कृत के शास्त्रों का उल्लेख करके भारतीय संविधान में भारतीयता को स्थापित करने का जो कुछ भी प्रयास हुआ उस सारे विषय में उन्होंने पिछली बार एक भूमिका के रूप में हमारे साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी सूचनाएं सांझी की थी। उसी का ये दूसरा भाग आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उस वक्त जब संविधान सभा में संविधान के ऊपर चर्चाएं हो रही थी और नए भारत के निर्माण की बातें हो रही थी, तरक्की और विकास के बारे में बातें हो रही थी और स्वतंत्रता सामने दिखाई दे रही थी जो कि एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ पावर था, उस सब के बीच में जिन लोगों ने संस्कृत को उद्धृत किया, संस्कृत के पक्ष को भी लिया और बहुत सारी ऐसी स्थितियां जहां पर संस्कृत को एक समर्थन के रूप में केवल प्रयोग किया गया, किसी एक विषय के समर्थन में प्रयोग किया गया, उन सब विषयों को टटोलने के लिए, समझने के लिए हम आज फिर एकत्रित हुए हैं और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आर के गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम चर्चा आज की आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पूर्व, जैसे कि पिछली बार भी हमने कुछ एक बातें की थी, कुछ एक प्रश्न है जो भीतर हम लोगों को उद्वेलित करते रहते हैं। जैसे कि पिछली बार भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारतीय संविधान में भारतीयता क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय है। जब आप संविधान का इतिहास पढ़ते हैं और संविधान के बाकी विभिन्न संबंधित विषयों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसी ऐसी जगहों से हमने सारे के सारे जो हैं वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं, उनको हमने वहां से एकत्रित किया। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि भारत में पिछले 5000, 6000 जो भी वर्षों का इतिहास रहा हो सभ्यता संस्कृति का, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे हम भारतीय संविधान में सम्मिलित करते। और बड़ी मजेदार बात है, जो आज मैं सुबह जब प्रियम्बल एक बार देख रहा था तो मेरे मन में ये, आप कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसके ऊपर एक प्रश्न देखेंगे कि क्या भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है। वो वी से शुरू करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन वो भारतीयता कहाँ है, वो इंडिया कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है, ये क्यों नहीं है, क्या ये हमें विचलित नहीं करता कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल सबसे पहले तो भारत को परिभाषित करता, फिर यहाँ की नागरिकता, यहाँ के लोगों को परिभाषित करता और संस्कृति को परिभाषित करता। तो ये एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऊपर एक सर्कल देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लोगो जो उस वक्त बनाया गया था, उसमें जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं एक अलग ही भारत का नक्शा जो आज नहीं है। तो कितनी एक विचित्र बात है कि ये वो भारत का नक्शा है जो अविभाज्य है और जब भारत विभाजित हो गया वहां पर हमने ये लागू कर दिया कि विभाजित भारत पर एक संपूर्ण भारत के लिए बनाए जाने वाले संविधान को हमने लागू किया, क्योंकि तब न तो पाकिस्तान के ऐसी बात चल रही थी कि हम पाकिस्तान को अलग करके भारतीय संविधान बनाएंगे और ना ही कुछ अन्य बातें थी। तो आप अगर नक्शा देखें, इसका लोगो देखें, तो आप
खुद हैरानी में पड़ जाएंगे कि ये भारतीय संविधान और इस लोगों के आपसी संबंध क्या है। इसके साथ ही दूसरा एक प्रश्न और देखिए जो मेरे मन में सुबह से था कि क्या हम भारतीय संविधान को बहुत सरल शब्दों में नहीं स्थापित कर सकते थे? क्या भारतीय संविधान पुरुषार्थ चतुष्टय जिसे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं और ईषणात्रय जिसे कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति लोकेष्णा और वित्तेष्णा, लोकेष्णा का मतलब है कि यहाँ सम्मान चाहता है, पैसा चाहता है, वित्तेष्णा जो लोग संस्कृत से सीधे सीधे ना परिचित हो, और पुत्रेष्णा का मतलब है संतान। और पुत्र का अर्थ ही अगर यहाँ पे सोशल साइंस के अर्थ से अगर आप सिर्फ मेल के साथ समझेंगे तो आप गलती करेंगे, क्योंकि पुत्र शब्द के उस रूप में अर्थ नहीं है, केवल सन के अर्थ में नहीं है, तो खैर संतान के अर्थ में है। तो अगर हम इनके अधिकार दे देते, अगर यहाँ की जो सत्ता है, जो भी गवर्नमेंट रहती, वो अगर इनका अधिकार सबको दे देती अबाध रूप से, तो इसमें से कौन से ऐसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके ऐसी कौन सी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो इन चार चीजों से बाहर चले जाते हैं? तो ये एक सोचने की और विचार करने की बात है। इसके साथ ये कुछ एक प्रश्न है जो आज सुबह थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, और ताकि हमें पता लगे कि हमें भारतीय संविधान के नाम पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसमें भारतीयता क्या है। और डॉक्टर साहब आज यहीं से अपनी बात भी आरंभ करेंगे। डॉक्टर साहब का मैं परिचय देना चाहूंगा आप सभी से, और जो लोग परिचित हैं उनको फिर एक बार पुनः उनसे उनको अवगत कराना चाहूंगा कि डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी बहुत लंबा समय रहा है अध्ययन और अध्यापन का। दो शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप से आज जो अध्यापक होता है वो केवल पढ़ाता है, पढ़ता बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी के विषय में ये बात बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अध्यापन के साथ साथ वो निरंतर अध्ययन में रत रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, चीजों को टटोलते रहे हैं और विभिन्न विषयों पर टटोलते रहे हैं। तो ये एक टीचर की पूर्णता की एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा आयाम है जो जो स्वागत योग्य है, जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात भी है। वो अध्यक्ष रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और लगभग 2 वर्ष पूर्व जो है वो रिटायर हुए हैं, अपने सेवानिवृत्ति ली है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पीजी कॉलेज आरकेएसटी कॉलेज से, कैथल से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निरंतर अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको भविष्य में जो उनकी बातें सुनने को मिलेंगी वो 2 विषयों पर मिलेंगी। एक जिसमें से ये विषय जो इस वक्त चल रहा है वर्तमान काल में कि रोल ऑफ संस्कृत इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसके ऊपर वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लगभग 5 से 6 लेक्चर्स में कम से कम ये सारा विषय जाएगा क्योंकि इतना अधिक मटेरियल वो उपलब्ध है। दूसरा जो वो कार्य कर रहे हैं वो भी बड़ा गंभीर विषय है, वो संविधान की उन जड़ों को तलाश रहे हैं जहां पर हम जिससे कि संविधान को एक सांस्कृतिक पक्ष या उसकी सांस्कृतिक जड़ों को हम स्थापित कर सकें, उसके लिए वो गीता के आधार पे सारे संविधान की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स तक आ गए हैं वो कार्य करते करते, अपनी रिसर्च वर्क करते करते, और वो भी निश्चित रूप से हमें समय आने पर उसको भी सुनने का मौका मिलेगा। तो ऐसे डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से वो हमारा आज का ज्ञान वर्धन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उनको आमंत्रित करूं, श्रोताओं का मन जो है वो जब तक विचलित ना हो, जब तक उनके भीतर कुछ प्रश्न ना हो, वो उनका मन आंदोलित ना हो विचार के स्तर पे भी और भाव के स्तर पे भी, तो बात नहीं बनती। निश्चित रूप से ये सारी बातें आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा लें तो डॉक्टर गुप्ता जी की जो कुछ बातें हैं वो हमें समझ आने में सुविधा होगी और वो हमारे गहरे भीतर उतरेंगी ताकि हम एक नए भविष्य की योजना बना सकें, एक नए सिरे से हम संविधान को एक सांस्कृतिक आधार प्रदान कर सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अधीन ही ये सारे का सारा जो है संविधान की वो दिशा निर्देश तय किए गए थे और उसी में वो सारी डिबेट्स की गई।
और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब उसमें टेम्पररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, तो वो बड़ा ही एक बचाव वाला जो भाषा, जब आप उसकी भाषा पढ़ते हैं, मैंने पढ़ी वो भाषा, बड़ी एक बचाव वाली भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं और सारा का सारा फोकस किन चीजों के ऊपर है, केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये जब अंग्रेजों से मौका मिला था अपना संविधान बनाने का, जो वस्तुतः आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हमने अपना संविधान बनाया, तो निश्चित रूप से आपको एक संपूर्ण भारत के लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, ना कि केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते, क्योंकि उस वक्त इतने सारे समाज सुधार की बातें चल रही थी, कितनी सारे अन्य बातें चल रही थी, कितने आंदोलन और चल रहे थे। तो आप जब उस भाषा को पढ़ते हैं और आगे चल करके जो कुछ और, क्योंकि मैंने भी अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बड़ी ही बचाव वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे। ऑफेंसिव लैंग्वेज जो होनी चाहिए थी, एक जो स्वतंत्र भारत की भाषा होनी चाहिए थी, उसका अभाव आप उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आप पाएंगे। इसलिए मेरे मन में ये सवाल थे और मैं पिछली बार भी इन्हीं को आपके साथ दोहराया था, लेकिन एक बार फिर दोहराता हूं और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि किसी भी देश में, संस्कृत की दृष्टि से ये मैं बात कर रहा हूं, कि जब संविधान बनाया जाता है तो उसकी दो बातें होती हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पंख होते हैं। एक तो ये कि कहीं पर भी अगर कहीं बंधन है, उन बंधनों से मुक्ति देना ये संविधान का पहला दायित्व होता है, और दूसरा उसका जो दायित्व होता है वो क्या है कि उस फ्रीडम के बारे में एक सेंसिबिलिटी पैदा करे कि वहां के नागरिकों को उस स्वतंत्रता का उपयोग करना सिखाए। वो एक सेंसिबल सिटीजन जो है, या जिसे हम आजकल मैं एक नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो है क्वालिफाइड सिटीजन, क्योंकि इसके ऊपर हम निकट भविष्य में हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसका मॉडल डिजाइन कर रहे हैं कि क्वालिफाइड सिटीजन क्या होता है, और जिसकी आज भारत में बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि 70 सालों के बाद भी अगर हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पाए हैं, सेंसिबल नागरिक नहीं बना पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें पुनर्विचार करना होगा और उसका भारतीय मॉडल क्या हो सकता है, उस पर हम निकट भविष्य में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। फ्रीडम का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि फ्रीडम अगर मिल गई तो उसका उपयोग क्या करना है, उससे आपने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व कॉन्स्टिट्यूशन का है। दूसरा जो है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को कंपल्सिव चॉइसेस से मुक्त करके कॉन्शियस चॉइस की ओर ले जाने में सक्षम बनाए, ये एम्पावर्ड करना चाहिए था संविधान को। तो क्या वो कर पाया है या नहीं कर पाया, ये भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर के मैं प्रश्नों को एक बार दोहरा देता हूं जल्दी से, ताकि हम समय का सदुपयोग करते हुए डॉक्टर साहब की बात को सुने कि व्हाट इज इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिछली बार भी हमारा प्रश्न था, डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन फॉर्म एंड एसेंस ऑफ इंडिया, हैव देयर बीन एनी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स आइडियाज इंक्लूडेड फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल विजडम, Does Indian Constitution intend to lead all of us to well-being? क्या संविधान का लक्ष्य एक मंगल, कल्याण 130 करोड़ लोगों का है, और अगर वो है तो वो well-being क्या है, वो कल्याण किस रूप में परिभाषित कर देना है, कि सबको आजादी दे दी, सबको फ्रीडम दे दी, बोलने की स्वतंत्रता दे दी, सबको कहा कि भाई तुम्हारा रोटी पानी खाने का अधिकार है, तो क्या उससे well-being हो रहा है 130 करोड़ लोगों का, या उन्हें ये स्पष्ट है कि well-being क्या होता है। If Indian society is known as agrarian society, then where are its imprints in whole constitution? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैं जितना संविधान पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में जब उसको थोड़ा सा अनुवाद किया हम लोगों ने, तब हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो उस संदर्भ में जब ह्यूमन राइट्स का जो भारतीय मॉडल है संस्कृत शास्त्रों के आधार पर, उसको जब विकसित कर रहे थे, तब ये जो प्रीएम्बल है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको संस्कृत में अनुवाद किया था तब। और उस संदर्भ में जब ये समझ में आने लगा कि ये तो ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा भारतीय संविधान केवल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके बनाया गया है,
एग्रीरियन जो कल्चर के जो इम्प्रिंट्स होने चाहिए थे वो इसमें से मिसिंग लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी जानकारियां कम हो, हमने उतना ना पढ़ा हो, तो विद्वान लोग उस बारे में हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं और समझा सकते हैं। और फिर अंतिम जो प्रश्न है, और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर गुप्ता जी को, कि डोंट यू फील दैट ऑल टर्मिनोलॉजीज पॉलिसीज फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ओनली फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बात मैं पहले भी कह दिया है और दोबारा दोहरा रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं उसकी जस्टिफिकेशन जरूर ढूंढना चाह रहा हूं कि नहीं, ये यहाँ के भारतीय किसान के लिए है, भारतीय संस्कृति को जो कृषि संस्कृति है उसको ध्यान में रख करके ये सारे का सारा संविधान बनाया गया था, ऐसा मैं मानना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा मानने का कोई कारण उपलब्ध नहीं हो रहा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आप सबको आंदोलित करने का प्रयास करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें और हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करें। मेहनत तो सर आपकी है, हम तो आपके मेहनत के जो फल हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। आप हमें चाहे स्वार्थी समझें चाहे जो भी समझें, लेकिन ये आपका दायित्व भी है कि जो मेहनत की है उसका फल बड़े लोग जो हैं विनम्र लोग वो दूसरों में बांटते हैं और हम उत्सुकता से उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं। यही भारतीय परंपरा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना ज्ञान हमारे साथ इस विषय पर साझा करें। डॉक्टर आर के गुप्ता जी धन्यवाद। आवाज आ रही है जी सर, लाउड एंड क्लियर है। धन्यवाद जी। अपनी बात कहने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप आशुतोष जी की बातों में मत जाना, क्योंकि तो वो मित्रवश मेरे को झाड़ पर चढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ। बात डॉक्टर साहब ने आज आशुतोष जी इतने ज्यादा प्रश्न रख दिए हैं कि उनका मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे को ना लिख कर भेज दें उन प्रश्नों को, ताकि हम उनके ऊपर धीरे धीरे निकाल सकें क्या बातें हुई थी। और मैं अपनी बात जो शुरू करना चाह रहा हूँ सर, आज जो पिछले वेबिनार में जमदग्नी प्रोफेसर यदि जुड़े हुए हैं तो उनको मालूम, उन्होंने प्रश्न किया था मेरे से लास्ट में, जो मैंने ये कहा था कि जब ये संविधान बन गया तो एक सदस्य भाई ये लगा कि ये भारत दिल्ली में बना है या लंदन में, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि सर इसका संदर्भ क्या है, एग्जैक्ट साइटेशन क्या है। तो मैंने उस समय क्षमा के साथ कहा था कि मैं अगली बार बताऊंगा। तो पहले तो मैं वो सर बताना चाहता हूँ उन्हें कि वो जो कथन था, अभी रिपीट भी करूँगा मैं, वो 18 नवंबर 1949 को श्री राम नारायण सिंह जी ने कहा था, वॉल्यूम 11 पेज नंबर 3747 है। और जहाँ तक सर आपने आज बहुत से प्रश्न उठाए, और जिनमें पहला प्रश्न जो बहुत रेलेवेंट जो आपने उठाया था वो उसमें भी था पिछली बार में कि भारतीय संविधान में भारतीयता कहाँ है। सर इससे बड़ी बात तो ये थी, हमारे वहां तो इस बात पर भी बहस हुई थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए, इंडिया या भारत, इसको लेकर बहस हुई है। और उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, आज मैं उसके ऊपर विचार आपके साथ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो जमदग्नि जी ने कहा था और जो आपने भी उठाया प्रश्न, मैं उसमें थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा राम नारायण सिंह जी को। उन्होंने सबसे पहले कहा, न जाने संसार है किम मृत में किम विष में, न जाने यह संसार अमृत से भरा हुआ है या विष से भरा हुआ है। जिसको उन्होंने कहा कि ये नहीं समझ में आ रहा हमें कि यह संविधान भारत का है या इंग्लैंड का है। और उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, इस विधान में अगर आप देखें तो मालूम नहीं होता कि इस विधान में भारतीयता कौन सी चीज है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो लोग इसका इतिहास नहीं जानेंगे, हमारी भावी संतान होंगी तो वह कहेंगी कि यह विधान दिल्ली में नहीं बना था, यह लंदन में बना था।
लोगों को यह शक होगा, किसी को यह शक भी होगा कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों ने इस विधान को बनाया था या लंदन के व्हाइट हाउस के अंग्रेजों ने यह कृपा करके हमें बना दिया था। ऐसी बातें हो सकती हैं संविधान के बारे में। इसकी भाषा तो अंग्रेजी है ही, यह सब हम देख रहे हैं। इसमें जैसे मैंने कहा भारतीयता क्या है, लेकिन अंग्रेज चले गए यह तो सही है, लेकिन सभापति जी दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजीपन हमारे देश के लोगों में, उनके दिमागों में कूट कूट भरा है। अंग्रेजों से छुटकारा पाना जितना कठिन था मैं समझता हूँ और लोग भी समझते हैं कि अंग्रेजीपन से छुटकारा पाना उससे भी कहीं अधिक कठिन होगा। ये जो कथन है ना सर, अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं मैं आपसे। हमारे यहाँ जो भारत का संविधान का पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, जो आम तौर पर हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया शब्द पहले और भारत शब्द बाद में। तो ये एक आम धारणा को ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका यदि आप हिंदी अनुवाद देखें भारतीय संविधान का, तब उसमें भारत शब्द पहले है ना कि इंडिया। मैं कोट कर रहा हूं इस समय सर उसकी भाषा को ही, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसलिए ये एक द्वंद रहा कि हमारा देश भारत कहलाए या इंडिया कहलाए, और इसके लिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है सर। अभी आपने अपने वक्तव्य में एक बात उठाई थी और वो थी भारतीय संस्कृति को लेकर और भारत को लेकर। इसके बारे में यदि आप देखें, हालांकि बहुत व्यापक विषय है वो कभी समय मिला तो वो भी 3-4 वेबिनार ले जाएगा, लेकिन मैं एक संविधान चूंकि हमने बनाया है तो एक अंतर करना चाह रहा हूं। वो अंतर मैं नहीं कर रहा हूं सर, वो अंतर किया है पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं सर कि भारतीय संविधान सभा में सबसे पहले वक्ता तो आचार्य जीवी कृपलानी जी थे, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विधिवत रूप से सभापति के रूप में चयन हो गया था, अर्थात जब कार्यवाही शुरू होनी थी, तो सबसे पहले वक्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ही थे। और वो क्या कह रहे हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए, और संविधान सभा में जिन सूक्तियों का प्रयोग हुआ। अब मैं फिर उनको कोट करना चाह रहा हूं, क्या कह रहे हैं पहले ही वक्तव्य में अपने, सबसे पहला अंग्रेज जो भारत में सन 1589 में आया वह था एक ईसाई धर्म प्रचारक। उसके बाद व्यापारी आए, जो आए तो थे व्यापार करने, प्रशासन करने के लिए यहां जम गए। सन 1765 में राज्य सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई। बाद में धीरे धीरे कंपनी का शासन पार्लियामेंट के अधीन होता चला गया, और फिर पार्लियामेंट ने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। तब से पार्लियामेंट ही यहाँ शासन कर रही है, यह शासन चल रहा है सर। बहुत इंपॉर्टेंट आगे बात कह रहे हैं, शासन के सिद्धांत पर चल रहा है, विश्व प्रेम एवं मुनाफा के प्रसिद्ध सिद्धांत पर, जो साम्राज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है। लॉर्ड पाल्मरसन ने कहा था कि हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धांत नहीं है, हमारे लिए हित ही सनातन एवं सत्य है, नित्य है। अंग्रेज जब कोई विशेष पत्र बनाते हैं तो आप इसे सत्य समझें, वे सत्ता को बाध्य हो समर्पित करने की भावना से ऐसा नहीं करते, यानी कि पश्चिमी सभ्यता समर्पण की भावना नहीं रखती, बल्कि वे तो प्रतिस्थिति की गंभीरता में ऐतिहासिक आवश्यकता को सू भी ऐसा करते हैं। ये टिप्पणी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की अंग्रेजों के बारे में।
और उसके बाद जो आपने प्रश्न उठाया था भारतीय सभ्यता के बारे में, अब वो क्या कह रहे हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, हमारी वंश परंपरा पूर्व पुरुषों की परंपरा प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, जो भी विधान बने उसमें यह बात तो होनी ही चाहिए कि सभी नागरिक यह अनुभव करें कि उनके आधारभूत अधिकार शिक्षा संबंधी सामाजिक और आर्थिक उन्हें प्राप्त होंगे, उनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी, किसी को दबाया ना जाएगा, वह विधान सही मायने में गणतांत्रिक होगा। और एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, इसके अलावा जाति सादृश्य भाग दृश्य या पूर्वजों की याद पर राष्ट्रीयता नहीं निर्भर करती, यह तो निर्भर करती है उस जीवन पद्धति पर जिसे हम चिरकाल से बरतते चले आ रहे हैं। और वो संस्कृति क्या है, जिसके लिए वो कहते हैं कि हम लोगों ने बुद्धिवाद तथा परोपकार का आदर्श सामने रखा है। और उसके आगे सर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं भारत के बारे में, वर्तमान के भारत एक स्वर लहरी के समान है, एक ऑर्केस्ट्रा के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र भिन्न भिन्न स्वर अपनी अपनी मधुर ध्वनि और मिठास के साथ एक ही चीज को अदा करते हैं। इसी तरह का सामंजस्य या ऐक्य देश अरसे से चाहता है, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं इसे किसी तरह जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। पारसी यहूदी ईसाई मुसलमान जो यहाँ शरण लेने आए उनसे इसने यह कभी नहीं कहा कि वे इसका धर्म मान लें या हिंदुओं में मिल जाएं। जियो और दूसरों को जीने दो, यही हमेशा इस देश की भावना रही है। यदि हम सच्चाई से इस भावना पर स्थिर हैं, हम इस आदर्श पर दृढ़ हैं, तो 5-6 हजार वर्षों से हमारी संस्कृति में व्याप्त है जो हमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, हम संकटों पर पार पा जाएंगे। तो ये तो सर उन्होंने इस पर कहा। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन उनका है, जो कि 14-15 अगस्त 1947 को जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय संस्कृति की बात करते हुए वो कहते हैं, इसमें संक्षेप में सर समय लेते हुए कहना चाह रहा हूँ, उनको ही कोट कर रहा हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में, विश्व शांति और मानव कल्याण की समुन्नति के लिए इस देश की कितनी बड़ी देन होगी। सम्राट अशोक ने विभेद और कलह जनित क्लेशों को दूर करने के लिए शिलाओं पर उपदेश खुदवाए। उसका कहना है कि अगर मतभेद है तो उसको दूर करने का सर्वोत्तम रास्ता है समवाय एवं साधु, शांति और सामंजस्य। अगर भारतवर्ष ने स्वाधीनता प्राप्त की है तो वह उसका उपयोग न केवल अपने कल्याण के लिए करेगा बल्कि विश्व कल्याण के लिए भी करेगा। और फिर वो एक स्वराज्य का अर्थ बताते हुए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक कोट करते हैं, सर्वभूतास्तमानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्य आत्मयोगाव स्वराज्यम अधिगच्छति। ऐसी सहिष्णुति प्रवृत्ति का विकास ही स्वराज्य है, जिसमें मनुष्य को मनुष्य में परमात्मा दिखाई देने लगता है। असहिष्णुता हमारी उन्नति में प्रबलतम बाधक रही है, एक दूसरे के विश्वासों विचारों के प्रति सहिष्णु नहीं एक मार्ग है जिसे हम अपना सकते हैं। ये इन्वर्टी को मैं क्लोज सर, ये जो श्लोक है सर इससे मुझे भगवत गीता के अध्याय 6 का 29वां श्लोक याद आता है, वो से मिलता जुलता है। पहली लाइन वही है, सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। यानी कि जिसका अर्थ क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति केवल एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं थी, वो प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व को, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात है जिसमें सहिष्णुता की बात है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी तो विश्व शांति मानव कल्याण और सहिष्णुता
इन तीन मुख्य आधार पर भारतीय संस्कृति को परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए भारत का नाम क्या हो, इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस रही है। और वो बहस क्या हुई असल में सर, कि जो राष्ट्रीय कमेटी थी उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था उसमें लिखा हो तो क्या इंडिया दैट इज भारत, जो आर्टिकल वन है अपना, तो इसके दो भागों में चर्चा हुई। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, पहले चरण में व्यापक चर्चा हुई है कि शब्द यूनियन होना चाहिए या फेडरेशन, वो विषय सुलझ गया था। फिर उसके बाद एक बड़ी चर्चा रही भाषा को लेकर, जो के ऊपर मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं। अब तीसरी जो थी वो हुई थी नाम को लेकर, कि नाम क्या हो भारत का। और यहाँ पर ये जो चर्चा है सर, जो हमारे सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषकर, उनको लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरी भाषा इसके ऊपर विवाद जो है 18 सितंबर 1949 को हुआ था, जब श्री एच वी कामत ने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया एज इज नोन इन इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि इंडिया वाली बात ना हो। उनको मैं कोट कर रहा हूं सर इस समय, जो लोग भारत, भारत भूमि या भारतवर्ष के पक्ष में हैं, उन लोगों का तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि इस देश का यह बहुत ही प्राचीन नाम है। इतिहास लेखकों और भाषा वैज्ञानिकों ने इस देश के नाम के विषय में, विशेषकर भारत नाम की व्युत्पत्ति पर गहन विचार किया है, परंतु भारत नाम किस प्रकार पड़ा इस पर सब एक मत नहीं है। कुछ लोग इसका संबंध दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से जोड़ते हैं, जो सर्वदमन अर्थात सर्वविजयी के नाम से भी प्रसिद्ध था और जिसने इस प्राचीन देश में अपना आधिपत्य तथा राज्य स्थापित किया। उनके नाम पर यह देश भारत नाम से विख्यात हुआ। गवेषणा करने वाले विद्वानों की एक और विचारधारा के अनुसार भारत वैदिक काल से था। अब मैं सर जो किस प्रकार से भारत में वैदिक काल से संस्कृति आई, किस प्रकार से हमारे संस्कृति, संस्कृति जो श्लोक है, सूक्तियां हैं, जो साहित्य है, उसमें भारत का नाम कैसे आया, इसके बारे में आपसे विचार साझा कर रहा हूं। और ये विचार मेरे नहीं है सर। अब मैं कोट करना चाह रहा हूं सेठ गोविंद दास जी को, वो क्या कह रहे हैं सर, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि इंडिया इस देश का सबसे पुराना नाम है, हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और अब तो यह माना जाने लगा है कि वेद संसार के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेदों में इंडिया नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में इडियम, इडु और इडेन्य ये शब्द आए हैं। यजुर्वेद में ईडा शब्द आया है, परंतु इनका इंडिया से कोई संबंध नहीं है। और वो आगे बताते हैं कि कुछ लोगों से यह सुना जाता है कि इस घोषणा में एक पंफलेट भी निकला है जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि इंडिया भारत से भी पुराना नाम है। मैं चाहता हूं कि यह बात रिकॉर्ड में रहे कि यह गलत है। इंडियन, इडियन और इडे का अर्थ अग्नि है। इडेन्य का प्रयोग अग्नि के विशेषण के रूप में हुआ है और इडा वाणी का वाचक है। फिर वो आगे कहते हैं, इंडिया शब्द हमारे किसी प्राचीन ग्रंथ में ना होकर उस समय से प्रयोग में आने लगा जब से यूनानी भारत में आए। यूनानियों ने हमारी सिंध नदी का नाम इंडस रखा और इंडस कहने के साथ इंडिया शब्द आया। यह बात इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी लिखी है। उसके विपरीत यदि हम देखें तो हमको मालूम होता है कि वेदों,
उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात हमारा सबसे प्राचीन और महान ग्रंथ जो महाभारत है उसमें हमको भारत का नाम मिलता है। अनकोट करके कह रहा हूँ इस समय मैं केवल सर, भगवद गीता में भी भारत शब्द 22 बार आया है, 2 बार धृतराष्ट्र के लिए और 20 बार अर्जुन के लिए। अगेन कोट कर रहा हूं मैं सर श्री गोविंद दास जी को, अस्ते कीर्ति पश्यामि वर्ष भारत भारतम विषम पर्व में कहा गया। विष्णु पुराण में भी हमें भारत नाम मिलता है, वह इस प्रकार है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ने भारत भूमि आगे। ब्रह्मांड पुराण में भी हमें इस देश का नाम भारत ही मिलता है। भरनाट्य प्रजा नामे मनुर भरत उच्चते निरुक्त वचनावे वर्ष तद भारतम स्मृतम। वे आगे कह रहे हैं सर इन्हीं को कोट करते हुए, मैं आगे देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नए से नए वैज्ञानिक आविष्कार इस भारत वर्ष में हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि यदि हम अपने देश का नाम भारत रखेंगे तो हमें कोई ऐसी बात करेंगे जो हमें आगे जाने से रोकेगी। जहां तक नाम का संबंध है वहां तक हमें अपने इतिहास और संस्कृति के अनुरूप ही अपने देश का नाम रखना चाहिए। यह बड़े हर्ष की बात है कि आज हम अपने देश का नाम भारत रख रहे हैं। शेर गोविंद दास जी के समर्थन में ही श्री कलूर सुब्बा राव जी ने वायु पुराण को उद्धृत करते हुए कहा, इदम तु मध्यम चित्रम शुभाव शुभम फलोदयम उत्तरम यतस समुद्रम हितम एव दक्षिणम चय जता। इसका अर्थ क्या यह है कि वह भूमि जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में है भारत नाम से जानी जाती है, इस कारण भारत नाम बहुत प्राचीन है। इंडिया नाम सिंधु इंडस नदी के नाम पर पड़ा है, और जब हम अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान कह सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी वहां पर है। सिंध हिंदू हो गया क्योंकि संस्कृत के सह का उच्चारण प्राकृत में है हो जाता है। यूनानी हिंद को इंद कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये भारत ही होना चाहिए। जब ये बहस चल रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वाद विवाद लंबा ना खींचे इसके लिए एक बात कही उन्होंने कि इस समय हम केवल यह विवाद कर रहे हैं कि भारत शब्द इंडिया के आगे आए या नहीं। अब उसके ऊपर राम साई जी ने कहा कि सामान्यतः ये होता है कि हम पहले नाम रखते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं तो पहले हम धाराएं बना देते हैं उसके बाद उसका हम नाम रखते हैं, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो क्या कह रहे हैं सर कोट कर रहा हूं मैं, प्राचीन प्रथा के अनुसार तो नामकरण प्रारंभिक जीवन में ही किया जाता है, लेकिन आज आधुनिक सभ्यता के अनुसार जब हम किसी बिल या किसी कानून पर विचार करते हैं तो पहली धारा जो नाम की होती है उसे आखिर में लेते हैं। उसी प्रथा के अनुसार आज हम पहली धारा पर, क्योंकि आर्टिकल 1 पर हो रही चर्चा, विधान की क्रियाकारी सब धाराओं पर विचार करने के पश्चात अंत में विचार करते हुए इस भारतवर्ष का नाम भारत अपने विधान में रख रहे हैं। आज जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं और जितना हिंदी साहित्य है उन सब में भी करीब करीब इस देश का नाम हमेशा भारत ही के नाम से प्रचलित रहा है। और फिर वो कहते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा भी महसूस होता है कि शायद उसके नाम पर कुछ दिक्कत पेश आ जाए, उसका नाम भारत रखने में कुछ विरोध भी किया जाए, लेकिन यह खुशी की बात है कि आज हम उसका नाम निर्विरोध भारत रखने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखें तो भारत नाम को लेकर तो कोई विवाद नहीं था। हाँ, जो विवाद था कि इंडिया दैट इज भारत और
भारत, इसको लेकर जो प्रश्न था, तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली विशेष रूप से अपना विचार रखे थे श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने। कोट कर रहा हूं सर मैं उनको, आज इस देश का नामकरण करने का संशोधन हमारे सामने उपस्थित है। मुझे प्रसन्नता होती यदि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका स्वरूप कुछ दूसरा रखा होता। इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर यदि दूसरे प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय वह इस देश की परंपरा और गौरव के अनुकूल ही होता और कदाचित इस विधान परिषद के लिए भी सौभाग्य की बात होती। यदि दैट इज लगाना ही था देने के लिए, यदि दैट इज लगाना ही था तो भारत दैट इज इंडिया यदि स्वीकार किया गया होता और इस प्रस्ताव इस प्रकार का प्रस्ताव, सर आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, लाउड एंड क्लियर है। किया गया होता और इस प्रकार का हमारे सामने होता तो वह अधिक उपयुक्त होता। मेरे मित्र कामत जी ने आपके सामने अपना संशोधन प्रस्तावित उपस्थित किया है कि भारत एज इट इज नोन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडिया को ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्वीकार किया होता अथवा इस समय भी स्वीकार कर लेती तो वह भी हमारे हृदय को और हमारे गौरव को अधिक सम्मानित करता और हमें प्रसन्नता प्रदान करता। उसके आगे सर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद मेरे और आपके दिल को भी छुएगी, कमलापति त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति का और भाषा का सीधा संबंध नाम से है। सभापति जी, मुझे भारत के शब्द से बड़ा प्रेम है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने मात्र से हमें अपने देश की सहस्त्राब्दियों की संस्कृति क्षण मात्र में सामने दिखाई पड़ने लगती है। मैं समझता हूं कि इस धरती पर कोई दूसरा ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके जीवन का इतिहास, जिसका सांस्कृतिक प्रवाह और जिसका नाम सहस्त्रों वर्षों से इसी प्रकार अब तक चला आता है जैसा हमारे देश का चला आता है। धरती के अंक में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतने पद दलन, इतने अपमान और इतनी लंबी प्राधीनता के बाद भी अपने नाम और अपनी आत्माओं को किसी प्रकार रखने में सुरक्षित समर्थ हुआ है। आज सहस्त्रों वर्षों के बीच जाने पर भी हमारा देश भारत कहा जाता रहा है। अब तक हमारे साहित्य में ये नाम प्रयुक्त होता रहा है। वेदों के युग से लेकर पुराणों में तो इसका नाम की कितनी महिमा है। हमारे पुराण भारत के नाम और इस देश की महिमा का गुणगान करते हैं। देवता स्वर्ग में इस देश के नाम का स्मरण करते रहते हैं। गायंती देवा खिल गीत कानी, गायंती देवा खिल गीत कानी, पुराण कहते हैं कि इस देश का गुणगान देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए करते हैं। देवताओं में ये कामना होती है कि ये भारत की पवित्र भूमि में वे उत्पन्न हो और जीवन भोग करके अपना परम लक्ष्य को प्राप्त करें। थोड़ा संक्षेप में करते कह रहा हूं सर, आगे वो क्या कह रहे हैं, संस्कृति जोड़ते हुए जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं कि भारत का, तो हमें भगवान कृष्ण के वह शब्द याद आ जाते हैं जिसके द्वारा उन्होंने इस देश के जन समाज को उस व्यवहारिक दर्शन का उपदेश किया था जिसके द्वारा आज संसार का मानव भी सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। इस शब्द को उच्चारण करने से हमें भगवान तथागत की याद आती है जिन्होंने ललकार कर संसार से कहा था कि बहुजन हिताए बहुजन सुखाए लोकानुपाए, जीवन का संचालन करो और देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए उठो, जागो और संसार को ज्ञान के मार्ग का प्रदर्शन कराओ। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं
तो हमें शंकराचार्य का स्मरण हो जाता है जिन्होंने संसार को एक नई दृष्टि दी। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हो तो हमें भगवान राम की उन विशाल भुजाओं का स्मरण हो जाता है जिसमें धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से इस देश के असमुद्र हिमाचल अंतरिक्ष को गुंजारित कर दिया था। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के उस चक्र का स्मरण हो जाता है जिसने भारत के भयावनिक शास्त्र साम्राज्यवाद को नष्ट करके इस देश की धरती का भार हल्का किया था। अनकोट यहाँ सर एक बार कहना चाह रहा हूं मैं, ये कमला त्रिपाठी जी की, अभी पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लद्दाख गए थे और उन्होंने उस समय चीन को अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए श्री कृष्ण जी की ही याद दिलाई थी कि जहाँ एक और श्री कृष्ण के पास बांसुरी है तो वहां पर उनके पास सुदर्शन चक्र भी है। तो ये जो संस्कृति है इसके बिना हम अपने देश का नाम भी नहीं रख सकते थे और ये बहुत जरूरी भी था। और इसीलिए श्री हरगोविंद पंत ने कहा, अंतिम बता रहा हूं सर, कि भारत या भारत का नाम तो हमारे दैनिक धार्मिक संकल्प में कहा जाता है जो नित्य स्नान में भी काम आता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यव्रत। तो इसलिए सर यदि आप देखें तो हमारे दैनिक जीवन में ये सब बातें जुड़ी हुई है कि जहां भारत शब्द आएगा ही। और अंत में जो कह रहे हैं हरगोविंद पंत, ये लास्ट मेरा वो है वाक्य, इंडिया नाम इस शब्द से न जाने क्यों हमारी ममता सी हो गई है। यह नाम इस देश को विदेशियों ने दिया है, यह नामकरण भी विदेशियों ने किया है और उनको इस देश के वैभव का हाल सुन लालच हुआ था और अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी स्वाधीनता पर आक्रमण किया था। अगर हम इंडिया शब्द को अभी अपने हृदय से लगाए रखें तो इसके माने ये होते हैं कि हमको इस नाम से जो हमारे लिए अपमानजनक है, जिस नाम को विदेशियों ने हमारे ऊपर थोपा है और जिसका नाम को उन्होंने किया है, उससे हमको कोई दुख नहीं है। मेरी समझ में यह बातें नहीं आती कि क्यों कर हम इस नाम को अपने पास रख रहे हैं। भारतवर्ष और भारत हमारे नाम है, यह नाम हमारे प्राचीन इतिहास और प्राचीन परंपरा से चले आ रही हैं और हम लोगों का बड़ा उत्साह और बड़ी वीरता देने वाले हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि इस नाम को अपनाने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमने इस नाम को नहीं रखा तो उसकी जगह में दूसरे नाम को स्थान दिया तो यह हमारे लिए लज्जा का विषय होगा। तो सर इस हरगोविंद पंत के वक्तव्य के बाद चर्चा समाप्त हो गई थी, लेकिन जब मत विभाजन की बात आई तो कामत जी ने अपना संशोधन वापस ले लिया था और उसी का कारण है कि अब हमारे जो संविधान है जहाँ इंग्लिश में लिखा गया है उसमें तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, जो उसका हिंदी अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। इसलिए हमने दोनों नामों को रखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो साथी सहभागी हैं इस संविधान सभा के वाद विवाद से उनको एक बात तो बड़ी स्पष्ट हुई होगी कि संस्कृत भाषा के रूप में के लिए जानने के लिए या उसको समझने के लिए संस्कृति का जानना आवश्यक है और भारत शब्द जो नाम है वो पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। शायद आप सहमत हों या ना हों सर, मैं कह नहीं सकता, मेरा अपना निजी विचार है कि भारत शब्द जो पड़ा है इस देश का नाम वो एक सभ्यता एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत का अर्थ होता है भार यानी के अर्थात प्रकाश रथ जिसको पाना। तो भारत के लोग सदैव ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने में सदैव निरंतर रहे हैं, इसीलिए इस देश का नाम भारत रखा गया और संविधान सभा में ये जो चर्चा हुई और इसीलिए
इसका नाम भारत रखा गया, ना कि हमने, वरना एक कैसे कुछ लोग आलोचना भी करते हैं सर कि जब भारत का विभाजन हुआ और वो विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था, तो जब उनको पाकिस्तान मिल गया तो हमारा देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए था। लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता, हमारे जो उस समय की जो प्रचलित भाषा की संस्कृत जिसमें कि वेद पुराण लिखे हुए हैं, उनमें शब्द भारत ही है। इस भारत नाम का जो दार्शनिक पक्ष है उसके अनुसार हमने अपने इस देश का नाम भारत रखा है, और जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या मैं समझता हूँ 17 सितंबर 1949 को जो हुई, इसमें हमारे अनेक संविधान निर्माताओं ने भाग लिया, उससे ये स्पष्ट हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रश्न तो हम रखेंगे और प्रश्नों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा टिप्पणियां भी। इससे पूर्व एक राजेश जी कृपया माइक म्यूट करिए। ये जो वेबिनार्स हैं, ये इनकी अपनी एक मर्यादा होती है, और जब हम टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल माया की तरह है, जरा सा आपने पलक भी झपकाई तो ये टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं हो जाती है। तो कृपया इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक दो बातें जो मेरे मन में आ रही थी, और जैसा कि मैंने पहले भी, राजेश जी कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए, उसके बाद अगर आपने कोई प्रश्न पूछना होगा तो करिएगा। मैं आपका माइक यहाँ से म्यूट नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज आप अपना माइक म्यूट, राजेश जी, राजेश कुमार जी, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, इससे बहुत डिस्टरबेंस होती है, रिकॉर्डिंग में भी फिर वो डिस्टरबेंस आती है। कृपया आप माइक म्यूट कीजिए, लगता है वो कहीं निकल गए हैं। ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी, बुद्धि जो है ना वो टेक्नोलॉजी से हमेशा आगे ही रहती है जितना मर्जी आप भी कर ले। लेकिन चलिए हम विषय पर आते हैं, केंद्रित होते हैं। ये जो आज की जो परिचर्चा रही है, बहुत खूबसूरत और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही है कि भारत के भाग्य में ये भी एक दिन आना था जब उसके अपने नाम पे निर्णय करने के लिए उस पर एक डिबेट की जानी थी कि भाई हम, हे भारत, तुझे हम भारत के हैं या इंडिया के हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन चलिए अच्छा है कि लोग अगर इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई उसका महत्व, दो पक्ष मेरे सामने उस वक्त आ रहे थे। एक तो ये है कि जब आप भारत शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं तो सोशल साइंटिस्ट जितने भी रहे हैं उनमें एक नई दृष्टि विकसित हो सकती है, जो कि उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा ओवरली कंडीशनड है वेस्टर्न लाइन ऑफ थिंकिंग से, थॉट के साथ। जब वो भारत की संस्कृति शब्द को प्रयोग करेंगे, भारत के पीछे जो एक आइडिया, फॉर्म, एसेंस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको अपने सोशल साइंसेस में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। नंबर दो जो मेरे मन में साथ साथ बात चल रही थी, और इस विषय को हम आगे भी अग्रसर करेंगे, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब जो 2020 आई है उसके पैराग्राफ नंबर 22.15 में, जहां वो संस्कृत और संस्कृति की बातें कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो वो बात कर रहे हैं, वहां पर ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो संस्कृत के जो लोग हैं और बाकी विषयों के जो लोग हैं, ये वेबिनार उन लोगों के लिए भी एक मौका देता है कि हमें जो इंटरडिसिप्लिनरी के जो प्रयोग करने जा रहे हैं 2021 में, वो किस तरह से होंगे। वो इसी तरह से होंगे कि जब आप सोशल साइंटिस्ट जो है, पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति, दूसरे विषय के, दूसरे सब्जेक्ट के अन्य अन्य विषयों को चुन करके उनके साथ एक संवाद स्थापित करेगा। तो मुझे लगता है इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी जो चर्चाएं होंगी वो हमारे लिए नई संभावनाएं खोल रही हैं और एक सशक्त भूमिका दे रही है कि हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है और बच्चों का एक पूर्ण विकास का जो उन्होंने एक भाव दिया हुआ है उसमें, वो बड़ा लाभदायक होगा।
तो मुझे लगता है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आज की रही है कि आज उन्होंने एक पृष्ठभूमि दे दी है कि इस भारत को हम परिभाषित कैसे करेंगे, संविधान सभा में कैसे परिभाषित किया गया है, और फिर उसके बाद अगली जब परिचर्चा होगी तो फिर जो विभिन्न आर्टिकल्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो बाकी अन्य बातें हैं उनके ऊपर क्या क्या चर्चाएं हुई हैं उन पर भी बातचीत होगी। लेकिन मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से जो भी टिप्पणियां हो, जो भी आपकी असहमति हो, जो भी आपके प्रश्न हो, वो हमारे साथ जरूर साझा करें। और लेकिन उससे पूर्व मैं स्वागत जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं मालूम था, हमारे साथ जैनाचार्य श्री निहाल मुनि जी, जो पद्म मुनि जी महाराज जुड़े हुए हैं, उनका सानिध्य हमें उपलब्ध हुआ है, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला है। और मैं चाहूंगा आचार्य जी की आपका जो है आशीर्वचन हमें सबसे अंत में अवश्य उपलब्ध हो। और उसके साथ ही हमारे साथ आरकेएसटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल जी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका सर हम स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं सीधे रूप में परिचित नहीं था, लेकिन मैंने बीच में देखा, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई प्रिंसिपल इन सारी चर्चाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो बहुत ही ये एक अच्छी और सुखद बात है। बाकी सब साथियों का तो है ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब विषय की ओर हम अग्रसर हों, जो भी टिप्पणी किसी की है वो एक एक करके कहें। मुझे लग रहा है ये कोड स्टार जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है वो कुछ कहने के लिए उत्सुक हैं, तो पहली टिप्पणी वहीं से ले लें। आप अपने को अनम्यूट करके सर कहें। हेलो, हाँ जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सर, आप परिचय अपना दे दीजिए और उसके बाद अपनी बात रखें। जी मैं बोल रहा हूँ सर, सर नहीं आपका बीच में आवाज नहीं आई, दोबारा से कृपया अपना परिचय दीजिए। हेलो, जी जी सर, चार लोगों ने म्यूट कर रखा है, इस कारण ही थोड़ी असुविधा हो रही है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम महाराजा कॉलेज, मेरा ये मानना है काफी और यह वाली बात है कि जो नई है उसमें संस्कृत विषय में जो चर्चा की गई है उस पर हम सभी को आगे बढ़कर सोचना चाहिए। अभी आपने भी कहा सर कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज के समय में है और हम सभी उसका पालन भी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इस वेबिनार से जुड़ा हूँ, आप देख पा रहे हैं मुझे जी, कि मैं संस्कृत विषय से तो जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके सर ने जितनी भी बातें बताई भारत और इसके संबंध में, वो सारी बातें तो मैं नहीं जानता था, लेकिन कई चीजें मुझे पता है और कई चीजें मुझे सीखने को भी मिला इस वेबिनार से। तो संस्कृत और संस्कृति की बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए संस्कृति को समझने के लिए जो हमारा संस्कृत विषय है और उस विषय के साथ जो भी व्याख्या दी गई है हमारे देश पुराणों में या साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, यदि हम उसका सही ढंग से अध्ययन करते हैं तो हमारी संस्कृति को फिर से जीवित करने में और उसको जीवंत बनाने में हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमारा तो ये मानना होगा सर और सभी लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि भारत में यदि आपको रहना है, भारत में यदि आपको पढ़ना है, भारत में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको संस्कृत का कुछ न कुछ जानकारी और ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। इसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर
हेलो नार को आगे बढ़ाया। वेबिनार को आगे बढ़ाया जाए सर, कार्यक्रम में कोई आवाज नहीं आ रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए सर। बीच में मुझे क्षमा देंगे क्योंकि लाइट जाने की वजह से सारा डिस्कनेक्ट हो गया था सिस्टम और दोबारा से जुड़ने में समय लग गया। कुछ चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, तो बीच में मैं टिप्पणी सुन नहीं पाया कि जो थी, लेकिन शायद रोहताश जी अपनी बात कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, रोहताश जी आप अपनी बात कर लें और फिर उसके बाद हम अग्रसर होते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आर्केस्ट्रा यूनिट के प्राचार्य डॉक्टर एस के गोयल जी और डॉक्टर गीता गोयल दाम्पत्य को नमस्ते करते हुए, ऋषि सैनी डॉक्टर अशोक अत्री को प्रणाम करते हुए, डॉक्टर आर के गुप्ता जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी से मैं वैल्यूम और पेज नंबर नहीं लिखने पाया। गुप्ता जी अगर हो सके तो वो दोबारा बोल के बता दे वैल्यूम और पेज नंबर। हाँ बता देता हूँ सर मैं आपको, एक मिनट सर अभी लीजिए। वो है जब तक डॉक्टर जी जी एक मिनट बेटा बताता हूँ। हाँ ये है 18 नवंबर 1949 तारीख। हाँ राम नारायण, राम नारायण सिंह जी है और हिंदी में इसका वॉल्यूम पेज नंबर है 3747। 3747 हाँ वॉल्यूम 11। वॉल्यूम कौन सा सर? वॉल्यूम 11। ओके थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आप भी पक्के रिसर्चर हैं, प्रमाणिक ना हो अच्छी बात है। सर मेरा प्रश्न बच गया सर, प्लीज। हाँ बताइए, प्रश्न रह गए। जी 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 मेरा प्रश्न ये है गुप्ता जी से, गुप्ता जी ने आर्टिकल 1 के बारे में बहुत अच्छी बात बताई इंडिया और भारत के बारे में, लेकिन जहां तक इसके क्रम में एक प्रश्न बचता है सर कि राज्यों का संघ होगा,
मैं यहाँ ये बात मतलब याद दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिका में 13 कॉलोनियां थी तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना, लेकिन यहाँ भारत एक होने के बाद राज्यों में बांटा गया और वो भी फिर आगे जाके भाषाई आधार पर। कृपया गुप्ता जी थोड़ा सा इस मेरी भावना को शांत करने का प्रयास करें। नमस्ते सर। वैसे रोहतासी ये डॉक्टर साहब, वैसे ये प्रश्न जो है ना ये प्योरली पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल एंगल से। तो ये हालांकि चलिए कोई नहीं, आप संक्षेप में इसका कथन कर दीजिए। उत्तर ये है सर कि यूनियन अमेरिका में है, वो जो है यूनियन नहीं है। हमारे यहाँ देश एक था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बांटा, और इसीलिए एक अंतर समझ लीजिए जमदग्नी जी कि अमेरिका में राज्यों को अभिन्न बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा, जबकि भारत के संविधान में स्पष्ट है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ सर, और यदि आप कहेंगे तो पूरा विस्तार से चर्चा हो सकती है। नहीं 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 रोहतास जी, मुझे लगता है पर्याप्त ही उत्तर पर्याप्त है, यही पे आपको रुकना चाहिए। हाँ जी, अविनाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं गुप्ता जी को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बड़े सम्यक रूप से इसका विवेचन किया है। और एक दो बातें ये है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान पीठ के अध्यक्ष तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाद में जो है अंबेडकर बन गए। और अंबेडकर साहब को कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का की इच्छा ही नहीं रही, वो तो विदेश में रहे, स्वदेशी भी नहीं पहनते रहे। परिणामतः उसके, और दूसरा एक कारण था कि बौद्ध ग्रहण करने के बाद जो उनकी एक ब्राह्मण धर्म से जो उनकी विरक्ति हो गई, अरुचि हो गई, इसके कारण उन्होंने बहुत सारी चीजों का समावेश उसमें करने से इनकार कर दिया। जैसे अगर हमें मनुस्मृति को उसमें सम्मिलित किया जाता तो हमारे बहुत सारी चीजों का निराकरण हो सकता था, क्योंकि और यही कारण है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब उसको एक बार हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कई देशों के संविधान को कट एंड पेस्ट करके वहां जोड़ दिया गया। अब आज के वर्तमान में ये आवश्यकता हमारी है उसके परिमार्जन की, परिवर्धन की, और अपने संस्कृति से जुड़े हुए उन समस्त चीजों को जोड़ने की जो आने वाले भविष्य में हमारे देश के स्वरूप में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सके। और किसी भी देश का अगर संविधान बनता है तो वहाँ के धर्म ग्रंथ, वहाँ के माने वहाँ के जो नीति चीजें हैं, उन सारे चीजों से कानून को गढ़ने का प्रयास किया जाता है। और अगर उन सारी चीजों को आप स्वीकार न करेंगे और अंगीकार न करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की विषमता होने की अपेक्षा है। यही मेरा एक विनम्र सुझाव था, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे लगता है वो टिप्पणी इसके ऊपर डॉक्टर साहब की हम बाद में ले लेंगे, और भी किसी का कोई पक्ष है, कोई टिप्पणी है तो वो जरूर हमारे साथ साझा करे। मैडम स्नेहलता जी को मैं देख पा रहा हूँ, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? सुषमा मेहता जी, मैम आपकी कोई टिप्पणी है या किसी और की कोई टिप्पणी है तो मैम जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए मैम पहले। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं हमारे तक आ रही। तब तक अशोक जी आप कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे? अशोक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि शायद साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए डॉक्टर साहब आप अपना एक लास्ट टिप्पणी दीजिए और फिर हम इसको समापन की ओर लेके चलेंगे। मैम आपकी मैं बात सुनना जरूर चाहता था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैडम सुषमा जी
डॉक्टर रविंद्र जी आप अपनी बात भाई सर सबके ऊपर एक टिप्पणी कीजिए और फिर हम उसके बाद जो है सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर डॉक्टर साहब कोर्ट स्टार्ट सर प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए कोर्ट जी 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 कोर्ट स्टार्ट सर प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए जी रविंदर जी प्लीज सर एक जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की है सर हेलो सर आ रही है आवाज जी सर अगर जो हाँ जी हाँ जी सर न्यू एजुकेशन हाँ जी सर आ रही है इसके बारे में सर यदि हम 30 अगस्त 1949 की डिबेट देखें तो उसमें हमें बहुत कुछ हेल्प मिलेगी संविधान सभा की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तारीख 30 अगस्त 1949 को शिक्षा के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है और विशेषकर हायर एजुकेशन को लेकर जो आज की जो नई शिक्षा नीति आई है उसको तो समझने के लिए हम संविधान सभा के उस तारीख की 30 अगस्त वाली डिबेट को भी देखते हैं। दूसरी बात मुख्य रूप से जो प्रसाद साहब ने कही डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में वो सर एक काफी विवादास्पद प्रश्न हो जाएगा क्योंकि एक तो बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे अध्यक्ष तो वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि संविधान को बनाने में अकेले डॉक्टर अम्बेडकर के विचार नहीं थे उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी की नीतियों का था उनकी सोच का था क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं की थी और जहां तक बात है कि हम संस्कृति या हमारी प्राचीन संस्कृति को नहीं ला पाए तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनमें बहुत कम ऐसे थे कि जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान था और चूंकि वो पढ़े हुए थे उस समय के और उस समय की जो हमारा जब देश आजाद हुआ जो सामाजिक विषमताएं थी और जिनको उन विषमताओं को बहुत ज्यादा अनेकों वर्षों से सब प्रयास अंग्रेजों ने हमें सजग भी किया बताया भी अपमानित भी किया और हमारे में विभाजन की वो प्रवृत्तियां भी पैदा की उन सब के चलते जो तात्कालिक राजनीतिक वातावरण था जो सामाजिक वातावरण था जो आर्थिक वातावरण था उसको एड्रेस करना संविधान निर्माताओं के लिए शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जो उनकी भाषा है हमारे संविधान की जो लिखा गया है जो आया तो उसमें हम भारतीयता के तत्व भी ढूंढ सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ कितना है सर जो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ 35 साल सर मैंने पढ़ाया भारतीय संविधान ही पढ़ाया लेकिन मैंने भी कभी क्लास में कि भारतीयता के तत्व क्या हैं संस्कृति क्या वो नहीं पढ़ाया दो कारण नंबर एक सिलेबस में नहीं है दूसरा यदि बता दिया तो मुझे ये डर था कि आगे एग्जामिनर में बच्चों के नंबर ना काट दें ये क्या लिख दिया तो इसलिए मैंने भी जो पढ़ाया सर वो रिटायरमेंट के बाद ही पढ़ा है उसी का अध्ययन कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं स्वतंत्र हूँ अपनी बात कहने के लिए तो ये जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो नहीं होती है और कोई धन्यवाद चलिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर ये नहीं बहुत अच्छा आपने ये स्वीकारोक्ति जो है प्रशंसा योग्य है कि वो विचारशील नहीं बनाती वो एक डब्बा बंद दिमाग बनाती है कि जिसमें इनोवेशन की कमी रहती है और नई एजुकेशन पॉलिसी में कई संभावनाएं हैं ये निर्भर टीचर पे करेगा कि वो कितने उत्सुक हैं और कितनी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से भी और वैसे भी कि किस तरह से वो इस सारे मसले को देखेंगे खैर एनीवे आज की चर्चा के समापन से पूर्व उनका आशीर्वाद के लिए उससे पहले अगर डॉक्टर संजय गोयल जी प्रिंसिपल जो आरकेएसटी कॉलेज से हैं अगर जुड़े हुए हैं तो दो शब्द उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपनी टिप्पणी अवश्य करें यदि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी
चलिए शायद नहीं है। तो अब मैं आचार्य जी को, पद्म मुनि जी महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि जैन धर्म में जो संविधान है, मुझे बड़ा अभी भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। निश्चित रूप से एक पक्ष, मुझे मौका लगा तो जैन और बौद्ध कंट्रीब्यूशन जो संविधान में होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह का जीवन जैन और बौद्ध प्रदान कर रहे थे उसको जरूर संविधान में इंक्लूड किया जाना चाहिए था, और जिस तरह की उनकी संस्कृति है, अहिंसा का भाव है, ये हमारे अधिकार होने चाहिए थे। अब आकर के हम बीच में कभी वो अहिंसा का अधिकार, पशुओं के अधिकारों की चर्चा करने लगते हैं, कभी टूट फूट के रूप में जोड़ते हैं। दुखद बात यह है कि हम लोग कभी नैरेटिव डिजाइन कर ही नहीं पाए, या तो किसी पार्टी का नैरेटिव हमेशा प्रभावित होता रहा, या वेस्ट का नैरेटिव हमारे पे प्रभावी होता रहा। हम लोगों ने भारतीय नैरेटिव को तो मौका दिया ही नहीं, इसलिए अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी में एक मौका है कि जहां पर हम अपने नैरेटिव को डिजाइन करें। और जब मैं नैरेटिव की बात करता हूं तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी कि हमने, और सोशल साइंटिस्ट ने ये बड़ी गड़बड़ की है कि जब उन्होंने रिलीजन का अर्थ धर्म कर दिया और धर्म का अर्थ रिलीजन कर दिया, इसी तरह किंग का अर्थ जब राजा कर दिया और राजा का अर्थ किंग कर दिया, तो उन्होंने बहुत भारी हिंसा यहाँ की संस्कृति के साथ की है। जस्टिस शब्द का अर्थ न्याय भी नहीं होता, जस्टिस इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ डिसीजन गिवन इन द फेवर ऑफ चर्च और द क्राइस्ट। जस्टिस कभी भी न्याय नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे हम पढ़ाते जा रहे हैं, और कितना हमने इस संस्कृति के साथ, यहाँ की कृषि संस्कृति के साथ अनाचार किया है, इसका अनुमान ही नहीं है। इसलिए मुझे ये जरूर है कि मैं, जब भी मुझे मौका लगेगा, इस विषय पे सेमिनार जरूर करेंगे कि ये जो तुलनात्मक शब्द हैं, इनके अर्थों को आप बिना सोचे समझे कैसे सोशल साइंटिस्ट स्वीकार करता जा रहा है, और आगे वो पढ़ाता जा रहा है, आगे वो देता जा रहा है, और उससे कितनी विषमताएं और विसंगतियां पैदा हो रही हैं, इसका वो, उसका अनुमान भी नहीं उसको है। तो निश्चित रूप से सोशल साइंटिस्ट्स को भी हमें पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं मैं कहता कि संस्कृत में सब कुछ ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, संशोधनों की आवश्यकता है, वो भी की जानी चाहिए। तो इन सब बातों को मैं फिर दोबारा लूंगा किसी वक्त, लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय आचार्य जी को कि वो हमसे दो बातें भी इस विषय पे कहें, और अपना आशीर्वचन दे करके इसको परिपूर्णता की ओर, तथागतता की ओर अग्रसर करें। रविंद्र जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कर रहा हूं सर। गुप्ता जी, माइक म्यूट कर लीजिए। जी आचार्य जी, इस मंच पर उपस्थित विद्वत वर्ग के प्रति हृदय से हार्दिक अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर आशुतोष जी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है, इसके माध्यम से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही कहा, परिश्रम करके बहुत सारे फल एकत्रित किए हैं, हम लोग ऐसे मौके पर इकट्ठे होकर के उन फलों को प्राप्त करके स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और बात बिल्कुल यथार्थ है। इस विषय में जिस बारे में आज वेबिनार हुआ और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, हालांकि मैं इस विषय का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी एक नया ज्ञान, बहुत सारी नई बातें सीखने को मुझे प्राप्त हुई। और ये निश्चित है कि हमारे भारतीय परंपरा को समृद्ध करने वाली, भारतीय मानस को समृद्ध करने वाली जो परंपराएं हैं, उनमें जैन फिलोसफी ले लीजिए, बौद्ध, और हमारे वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई तमाम जो संस्कृतियां हैं, उनका अगर तुलनात्मक रूप से हम लोग विश्लेषण कभी कर पाए तो जीवन जीने के लिए जो मूल्यवान तत्व हैं,
मूल्यवान धर्म है उनका बहुत स्पष्ट और बहुत व्यवस्थित विवेचन हमारे को इन परंपराओं के धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। बात बिल्कुल उचित है। मैं भी समझता हूं कि इन परंपराओं में जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जिस ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए अभी बहुत सा भाग शेष है। हम लोगों ने धर्म ग्रंथों को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही संभवतः देखा है, किंतु धर्म ग्रंथों में व्यवहारिक जीवन को लेकर के, हमारे राजनैतिक जीवन को लेकर के, हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का ढांचा कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के बहुत स्पष्ट और बहुत मैं कहूंगा कि प्रेरणादायक तत्व हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। जैसे कि अभी भारतवर्ष को लेकर के या भारत नाम को लेकर के डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, उस बारे में मैं थोड़ी सी बात ये भी जोड़ दूं, जो जैन आगम है और जैन आगमों में भी जो मूल जैन आगम है, मूल जैन आगमों में भी भारत शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। इंडिया शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं है, कहीं पर भी भारत शब्द का प्रयोग है। आठवा अंग सूत्र है अंतकृत दशांग सूत्र, उस सूत्र में श्री कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी का विवेचन है। द्वारिका नगरी के लिए वहां पर द्वारवती शब्द का प्रयोग हुआ है और द्वारवती नगरी में जो समृद्धि थी उसका भरपूर विश्लेषण करते हुए सूत्रकार ने कहा अद्ध भरहस्त जाओ आहे वच्चम विहरे, अर्थात अर्ध भरत क्षेत्र का आधिपत्य करते हुए, शासन करते हुए श्री कृष्ण वासुदेव विचरण करते थे। यहाँ पर जो भरत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत शोध की आवश्यकता है। इसमें भरत क्षेत्र को दक्षिण और उत्तर के रूप में दो भागों में बांटा गया और ऐसे भरत क्षेत्र के 6 खंड माने गए हैं, उनमें से 3 खंडों के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव, जो वासुदेव राजा होने के नाते थे। तो ये बात हमारे मूल आगमों में प्राप्त होती है। ऐसे ही अन्य अन्य आगमों के अंदर भी यत्र तत्र भारत या भरत शब्द का प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। और मेरी जिज्ञासा तो कई बार ये भी होती है कि जैसे हम लोग भारत शब्द के बारे में बात करते हैं, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो जैन फिलोसफी बोलती है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भागवत पुराण के अंदर भी ये उल्लेख प्राप्त हो जाता है। और इधर हम लोग वैदिक परंपरा जानते हैं तो वहां पर शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि इन दोनों महापुरुषों से पहले भी तो ये देश था, उससे पहले भी तो इसका कोई नाम रहा होगा। तो क्या पहले आर्यावर्त नाम रहता है और कब तक आर्यावर्त शब्द इस देश के लिए प्रचलित रहा और कब से ये भारत शब्द इस देश के लिए लागू किया गया, आदि आदि शब्द समाधान मांगती है और ऐसा प्रयास। मैं समझता हूँ कि क्रमशः शनै शनै ऐसे शंकाओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। डॉक्टर साहब तो समय समय पर वेबिनार ही रहते हैं। मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ, मन होता है कि हर वेबिनार के अंदर सम्मिलित होकर के स्वयं को संतुष्ट करूं, लेकिन हर बार तो संभव नहीं हो पाता। फिर भी समय समय पर जुड़ने का प्रयास मेरा रहता है और इस प्रकार की मूल्यवान और बहुत ज्ञानवर्धक बातों की ज्ञानवर्धक फलों को प्राप्त करने का जो मौका मिलता है, सर का बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका भी कृतज्ञ हूँ, सबके लिए बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। प्रभु की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और हम सब खुशहाल रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब डॉ
डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ पा रही है। धन्यवाद आचार्य जी। इस आशीर्वचन के लिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और बहुत आपने अलग पक्ष की हमें जानकारी दी है। अब कठिनाई ये है कि सोशल साइंटिस्ट हमारे जो पौराणिक वचन है जो हमारी परंपरागत जानकारियां हैं उन ऑडिबल नाउ अब मेरी आवाज है, मेरी आवाज आ रही है सर? सर बीच में आवाज आ रही है नहीं बड़ी एक अजीब सी स्थिति चल रही है, लाइट बार बार आ जा रही है जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूं और फिर पुनः जुड़ने में फिर वो वक्त लगता है। और मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। ठीक है जी। ओके ओके तो आ रही है जी। धन्यवाद। तो आज के आचार्य जी के आशीर्वचन के प्रति मैं प्रणाम अपना ज्ञापित करता हूं और आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से आज हमने एक नए विषय पर चर्चा की है। और ये आवश्यक इसलिए भी है कि हम एक नए नैरेटिव को डिजाइन करें। जिन लोगों ने संविधान बनाया वो लोग अंग्रेजों के दबाव में भी थे, उनकी कमिटमेंट वहां क्वीन के साथ थी क्योंकि डिग्री तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक आप क्वीन के लिए वफादार ना हो, अंग्रेजी राज्य के लिए वफादार ना हो, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि संविधान सभा में एक जो अनौचित्य हुआ वो ये हुआ कि जो विभिन्न स्थानों विभिन्न सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लोग थे उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। ज्यादातर जो आजादी में भाग लेने वाले और कांग्रेस के लोग और इस तरह के राजनेता आए और राजनेताओं की एक अपनी तरह की सोच समझ होती है, तो शायद इसीलिए उनका सारा का सारा फोकस जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की ओर ही फोकस होके रह गया। और शायद अगर दूसरे लोग भी इसमें सम्मिलित होते तो एक निश्चित रूप से हम एक बेहतर भारत का संविधान बना सकते थे। अभी इसमें संस्कार करने की बहुत ज्यादा अपेक्षा है और जैसे कि मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से एक विकल्प की तलाश में हूं, ये हो मेरे जीवन में ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से एक विकल्प की तलाश में हूं कि हम एक बहुत सरल आसानी से व्यवहार में आने वाला हम भारत का संविधान बनाएं, निर्माण करें, नए से नए उसमें प्रयोग करने की उसमें क्षमता हो जो पुरुषार्थ और ईष्णात्रय इस पे आधारित हो, ताकि हम कह तो सकें कि हमने भारत में भारतीय संविधान लागू किया और हमारी अपनी एक पहचान है। अभी तो टोटल एक कंफ्यूजन में लगता है कि 70 सालों में कंफ्यूजन में जी रहे हैं, एक तरफ इंडस्ट्री लगा रहे हैं दूसरी तरफ हम नाम ले लेते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो वो लगता है कि एक अपने साथ ही अन्याय करने वाली बातें हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और निश्चित रूप से ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के पीछे किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं है। निश्चित रूप से एक भारत के प्रति एक जेन्युइन कंसर्न है, अपनी परंपरा को जानने का एक उत्सुकता है और उस जहां दोष है वहां पे उसका दोष का मार्जन करें और गुणों को हम स्थापित करें, ये निश्चित रूप से एक अपेक्षा है, एक इच्छा है, अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो अभी इस चर्चा को हम अगली बार फिर कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हम जैन धर्म के ऊपर और बौद्ध धर्म के ऊपर भी एक चर्चा रखें, ताकि उन पक्षों को भी हम जानें कि उनका दर्शन क्या है, क्योंकि केवल एक धर्म के रूप में उनको जानना पर्याप्त नहीं है, उसको एक दर्शन के रूप में, एक व्यवहार के रूप में, सामाजिक व्यवहार के रूप में जानना भी उतना ही अपेक्षित है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही हम इन विषयों पर विचार करेंगे और साथ साथ अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब के प्रति अपना मैं आभार व्यक्त करता हूं, आरकेएसटी कॉलेज कैथल की ओर से, एसटी कॉलेज अंबाला कैंट की ओर से आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सब लोगों को साधुवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने धैर्य पूर्वक इस सारी चर्चा को सुना। और कई चीजें कठिन तो हैं क्योंकि विचार करना इतना आसान नहीं होता और विचार के लिए उत्सुकता होना बड़ा कठिन कार्य होता है, विशेष रूप से जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज हैं और हमारी एजुकेशनल कंडीशंस हैं, वहां पर तो केवल इतना ही होता है कि आपने जो पढ़ के आए हैं बस वो बच्चों को आगे पढ़ा दें, वहां पर इनोवेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए स्थान नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की ये मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो कृपया लिंक लेकर के फॉर्म भर दीजिए और इस मीटिंग को अब आप लोग छोड़ सकते हैं। डॉक्टर विनोद जी, आप इस मीटिंग को रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। विनोद जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इस मीटिंग को बंद कर दीजिए।